अंतरिक्ष का शहंशाह बना इसरो। जी हाँ, भारत का अंतरिक्ष में रिकॉर्ड अब तक शानदार रहा, जो आगे के सफर की उम्मीद हमें यहाँ पर देता है। हम चंद्रयान मंगलयान से आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद यही है कि वो दिन दूर नहीं जब शुक्र पर भी भारत का सैटेलाइट पहुंच जाएगा। 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4। अंतरिक्ष में सैटेलाइट की सेंचुरी लगाने वाले इसरो के लिए सितारों से आगे जहां और भी हैं। एक साथ 104 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग से अपनी धाक जमाने के बाद अब देश को इंतजार है इसरो की अगली कामयाबियों का। आपको बताते हैं अब क्या है इसरो के इरादे। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन की कामयाबी के बाद अब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 की तैयारियों में जुटे हैं। पिछले मिशन में चांद की कक्षा का चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट यानी ऑर्बिटर छोड़ा गया था। इस बार वैज्ञानिक ऑर्बिटर के साथ चांद पर रोवर उतारने की भी कोशिश करेंगे। कामयाब रहने पर यह रोवर चांद की मिट्टी और चट्टानों के नमूनों की जांच करने के बाद जानकारी भेजेगा। करीब 603 करोड़ रुपए के इस मिशन में रूस की स्पेस एजेंसी भी भारत की मदद कर रही है। उम्मीद है कि चंद्रयान 2 साल 2018 में चांद की ओर रवाना होगा। सिर्फ चंद्रयान ही नहीं, इसरो की नजर मंगल पर भी है। भारत के मंगलयान मिशन की दुनिया भर में तारीफ हुई थी। मंगलयान 2 मिशन के साल 2021-22 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस बार वैज्ञानिकों की कोशिश मंगल ग्रह की सतह पर रोबोट उतारने की होगी। मंगलयान 1 मिशन के तहत सैटेलाइट को मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया था। पिछला मिशन पूरी तरह भारत में विकसित किया गया था, लेकिन मंगलयान 2 के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी मदद की पेशकश की है। पिछले मार्स मिशन का बड़ा मकसद इसरो की काबिलियत साबित करना था। इस बार वैज्ञानिक चाहते हैं कि इसरो का रोबोट मंगल ग्रह पर पुख्ता वैज्ञानिक परीक्षण करे। मंगल के अलावा इसरो के वैज्ञानिकों की नजर शुक्र ग्रह पर भी टिकी है। हालांकि शुक्र ग्रह का मिशन महज ऑर्बिटर भेजने तक सीमित हो सकता है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान ही शुक्र ग्रह तक कामयाब मिशन लॉन्च कर पाए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में साइंस और टेक्नोलॉजी को खास तवज्जो देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस बार के बजट में अंतरिक्ष विभाग का बजट 23% बढ़ा दिया है, यानी वैज्ञानिकों को सरकार का भी साथ मिल रहा है। लिहाजा उम्मीदें आसमान से भी ऊंची हो तो कामयाबी तो मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और PSLV रॉकेट की ये 39वीं उड़ान थी और आज अपनी इस 39वीं उड़ान में भारत ने एक नए लक्ष्य को यहाँ पर छू लिया है और जाहिर तौर पर अंतरिक्ष का शहंशाह भी यहाँ पर बन गया है। सीबी देवगुन साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर तो पिछले 2 साल में जिस तरह से जो पूरा का पूरा सैटेलाइट सेक्टर है भारत का, वो जितने ज़्यादा लॉन्चेज उसने किए या जितनी तेज़ी से वो यहाँ पर बढ़ा है, क्या उसके बाद आने वाले दिनों में उसे और नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करने की ज़रूरत होगी? क्योंकि जो बाकी देश हैं, अमेरिका ही ले लीजिए, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर उतरेगा और उसके बाद बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि भारत उसे किस तरह से टच कर पाता है। जितने भी मिशन होते हैं वो 1 या 2 साल में पहली बात तो पूरे नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग पिछले 2 साल की अगर कामयाबी की बात करते हैं तो उसके पीछे जो पिछले 40-50 साल की जो मेहनत है हमारे साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट की, वो उसमें पूरे का पूरा योगदान देती है। और दूसरा ये है कि नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करना तो ये मनुष्य के लिए हमेशा ही रहा है कि एक चीज़ जब वो बनाते हैं तो अगली चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि उससे बढ़िया चीज़ कैसी बनाई जाए। और अगर हम लोग मंगलयान की बात करें, वो इसरो के लिए एक तरह से टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर था, क्योंकि उसमें साइंटिफिक पेलोड थे वो बहुत कम थे, लेकिन हम लोगों को ये प्रूव करना था कि हम लोग अपने दम पर मार्स के ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट को छोड़ सकते हैं। तो इसरो के लिए आने वाला समय जो है या दशक जो है आने वाला, बहुत ही बहुत सारी हमारी उनसे आकांक्षाएं हैं। लैंडर है, मून के ऊपर रोवर है, या मार्स के ऊपर रोवर है या लैंडर है, तो ये सब चीज़ें वो लोग पूरी करेंगे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अपनी जो है वो उसमें पूरे वो सक्षम है जी। बजट किसी गवर्नमेंट का देना ना देना उस पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है जी। चलिए विक्रांत, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पहले तो अभी हमने ये न्यूज़ देखी है, बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया का स्पेस बजट हैज़ बीन इंक्रीज, बढ़ गया है। और दूसरा, टू
आपका जो पॉइंट है वो टेक्नोलॉजी आएगी स्पेस पॉलिसी से. स्पेस पॉलिसी हमें दिशा बताती है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं. तो इंडिया, आई जस्ट रिमाइंड एवरीवन, मैं एक बारी बस याद दिलाना चाहूँगा कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम की जो डायरेक्शन दी थी वो उनके फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज़ विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई. तब इंडिया आज़ाद हुआ था तो तब हमारी ज़रूरत थी कि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन की जाए, रिमोट सेंसिंग की जाए. लेकिन धीरे धीरे आते आते उनका ये विज़न, उन्होंने कहा था ये उस टाइम की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि ये विज़न से एक्सपैंड हो चुका है. उन्होंने नहीं कहा था कि इंडिया एक दिन मार्स पर जाएगा, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत नहीं थी. तो इसरो ने वो एक्सपैंड किया है. इसरो आगे अब मैंड प्रोग्राम की तरफ भी जा रहा है. इसरो अब नया एक लॉन्चर तैयार कर रहा है, Mach 3, जो आई थिंक 10,000 किलो वज़न लेके जा सकेगा, जो अभी PSLV है उससे 7 गुना ज़्यादा. हाँ, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के पास है लॉन्च व्हीकल की, ये US से और बाकी देशों से कम है. क्योंकि और इंडिया को ज़रूरत भी नहीं थी. इंडिया इज़ नॉट लाइक फ्रिवोलस, मतलब इंडिया फालतू खर्च नहीं कर रहा है. इंडिया जो खर्च कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है. दूसरे देशों ने जो मून पे भेजा, पहले उन्होंने वॉर्स करके कोल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट करी, उस सिचुएशन के अंदर एक मून पे भेजा गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. हालांकि है, आई मीन टू से मून पे जाना एक अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से इंडियन स्पेस प्रोग्राम की रूट्स बहुत डीप है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. विक्रांत और सीबी देवगन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे दर्शकों को बहुत क्लियरली, साफ सुथरे शब्दों में, सरल भाषा में ये समझाने का कि आज की ये जो कामयाबी है इसके मायने क्या है और भारत कैसे अगले कदम की ओर तेजी से यहाँ पर बढ़ भी रहा है. और जाहिर तौर पर आज हर और अगर किसी का नाम है तो वो इसरो का नाम है. और सुबह जब लॉन्च हुआ था 104 सैटेलाइट्स भारत ने लॉन्च की, और जैसा कि हम कह भी रहे हैं अंतरिक्ष का शहंशाह बन गया है इसरो.